today we will start our next chapter, that is tissue. So first of all we should know what is the meaning of tissue. Tissue ka matlab kya hota hai beta? A group of cell. A group of cell which perform a common function. Which perform a common function is called as tissue. Is called as tissue. अगर आप बिल्कुल ही सिंपल याद करना चाहते हैं, group of cell is called as tissue. The tissue is of two type, plant and animal tissue. Plant and animal tissue. Plants के अंदर plant की body जिन tissue से मिलकर बनती है, they are called as plant tissue. और animal की body जिनसे मिलकर बनती है, they are called as animal tissue. तो plant और animal tissue की अगर हम बात करें, तो प्लांट टिश्यू जो होते हैं वो दो प्रकार के पाए गए हैं. वो दो प्रकार के होते हैं मेनली. मैं इसका एक आपको फ्लो चार्ट बना के बताती हूँ तो आपको समझ में आएगा, ठीक है. प्लांट टिश्यू इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, टेम्परेरी टिश्यू और इसको हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी बोल देते हैं. And then the permanent tissue. Okay, and the further meristematic tissue is of three types: apical tissue, lateral meristematic tissue, and intercalary meristematic tissue. ठीक है, permanent tissue की अगर हम बात करें बच्चों, ये दो प्रकार के हैं, तीन प्रकार, सॉरी, दो प्रकार के, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू. सिंपल टिश्यू इज फर्दर ऑफ थ्री टाइप, पैरेन्काइमा, इनको हम आगे भी कभी एक्सप्लेन करेंगे, अभी जैसे मैं आपको आइडिया दे रही हूँ, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा. इसी तरह कॉम्प्लेक्स जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम और फ्लोएम दो प्रकार का ये पाया जाता है.